कमिश्नरेट पुलिस की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोरी व फर्जी आरसी बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से 3 लग्जरी गाड़ियां जब्त कर 25 फर्जी आरसी बरामद की। पुलिस उपायुक्त दिगंत आनंद ने मीडिया को बताया कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का हाथ लगा है। 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 3 चोरी की लग्जरी क्रेटा गाड़ियां, 24 हैवी व्हीकल्स तथा 1 क्रेटा गाड़ी की फर्जी आरसी बरामद की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एम्स रोड स्थित मंगलम रेस्टोरेंट के पास से 3 गाड़ी बरामद की, जिनके फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर पाए गए। मुलजिम विक्रम यादव ने पूछताछ में बताया कि यह गाड़ियां अन्य राज्यों से फर्जी एनओसी तैयार कर आरटीओ ऑफिस में फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्रेशन बनवाए इन आरसीओं के वाहनों का अस्तित्व भी नहीं है। जैसे तैसे जैसे चोरी के वाहन उपलब्ध होंगे तब इन रजिस्ट्रेशन के मुताबिक उन चोरी की गई गाड़ियों के इंजन व चेसिस नंबर टेम्परिंग कर बदल देते हैं। पुलिस ने विक्रम यादव, मनीष कौर व भगवान दास को गिरफ्तार किया। इन चोरों ने बताया कि यह गाड़ियां नाजिम निवासी सोहनाता हरियाणा से पिछले महीने ली थी। उनके साथ चौपहिया वाहन व भारी वाहन ट्रक इत्यादि नई दिल्ली गुड़गांव से चुराते। इसके बाद विक्रम यादव ने फर्जी रजिस्ट्रेशन से लाते। उन फर्जी रजिस्ट्रेशन के मुताबिक इंजन में चेसिस नंबर टेम्परिंग कर बदल देते थे। गाड़ियों को असल की तरह बेच देते, इसके बदले में भारी मुनाफा कमाते थे। शातिर चोरों द्वारा अन्य राज्य की फर्जी एनओसी से फर्जी दस्तावेज तैयार कर परिवहन कार्यालय से नई दिल्ली गुड़गांव में अन्य शहरों से चुराई हुई गाड़ियों के फर्जी रजिस्ट्रेशन तैयार कर रजिस्ट्रेशन के अनुसार चुराई गाड़ियों के इंजन चेसिस नंबर गाड़ी बदल कर बेचने का कार्य का अंजाम देते थे, जिसके बदले में भारी मुनाफा मिलता था। चौपासनी हाउसिंग थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान में यह तथ्य सामने आया कि यह गाड़ी है दिल्ली गुड़गांव में अन्य शहरों से गिरोह के द्वारा पहले महंगी लग्जरी गाड़ियों को फाइनेंस पर लेते थे तथा 1-2 किश्त चुकाने के बाद उक्त गाड़ियों को चोरी होना बताकर या गाड़ियों के एक्सीडेंट की मुकदमा दर्ज करवाकर फिर इन गाड़ियों को ही नए नंबर दस्तावेज फर्जी तैयार करवाकर लेते आगे बेचकर करोड़ों मुनाफा कमाया। CHB थाना पुलिस ने 15 निवासी भगवान दास, जोधपुर पाल रोड निवासी मनीष कौर, शाहपुरा जयपुर निवासी विक्रम यादव को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 25 फर्जी आरसी बरामद की। साथ ही पुलिस द्वारा अनुसंधान में और भी बड़ी वाहन गिरोह का खुलासा होने की संभावना है। जयपुर शहर में जो 2-व्हीलर 4-व्हीलर चोरी की जो वारदातें हो रही हैं, उनके जो संगठित गिरोह बना के जो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उनकी धरपकड़ के लिए लगातार सूचना संकलन के निर्देश सभी थानाधिकारियों को दिए गए हैं। इसी क्रम में CHB थाने को ये सफलता मिली है कि एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 3 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से एक का नाम भगवान दास निवासी बालोतरा है, दूसरा मनीष गौड़ निवासी जोधपुर और तीसरा विक्रम यादव निवासी शाहपुरा जयपुर का है। इनके कब्जे से 3 लग्जरी गाड़ियां ह्युंडई क्रेटा जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, नई हैं, वो बरामद हुई हैं। उसके साथ साथ ही इनके पास से करीब 26 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य सरकारी दस्तावेज जो वाहनों के हैं वो भी बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में ये पता लगा है कि इनका तरीका वारदात कुछ इस तरह का है कि इन्हीं के गिरोह के कुछ सदस्य दिल्ली और NCR क्षेत्र से लग्जरी गाड़ियां और हैवी व्हीकल जो ट्रक्स वगैरह होते हैं उनकी चोरी करते हैं। उस गिरोह का एक हिस्सा जो इन लोगों के द्वारा संभाला जाता है वो फर्जी RC अन्य राज्यों से NOC जो भर्ती दिखती है तो फर्क पड़ता है। ये जो जोधपुर में पिक्चर में स्टेप लगे हुए लगे ये बात ऐसा सीधी क्यों लो एवियंस माइक क्यों ले रहा एक लेपल आवे खराब क्या होगा खराब थोड़ी क्या लेपल आवे थोड़ा कम खराब आवाज़ तो सही आ रहा है ये सभी करीब 35 से 40 साल की उम्र है, 2 की उम्र 37 साल है और 1 40 से कुछ कम है। ज़्यादा पढ़े लिखे होने का अभी कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया है, ना ही किसी सरकारी हलके में इनकी जान पहचान भी अभी सामने आई है, पर ये प्रारंभिक अनुसंधान से सामने आया है कि शायद NOC जो ये अन्य राज्यों से लाते हैं उनको लगा के
और आरसी आरटीओ ऑफिस को डीटीओ ऑफिस को धोखे में रखे इनके द्वारा बनवाई गई। अनुसंधान से ये चीज़ सामने आएगी, अभी कहना मुश्किल। कितने समय से ये लोग ये फर्जी आरसी वगैरह बना रहे कर रहे हैं? लंबे समय से ये काम इनके द्वारा करना। सर जो बात कर रहे हैं एनओसी की, जो एनओसी ला के देते हैं आरटीओ में और आरटीओ से ही बनवा रहे हैं, जो 26 एनओसी मिली है, सॉरी 26 आरसी जो आपको मिली है वो राजस्थान नंबर की है सर? सभी राजस्थान नंबर की हैं, पर उनके मैचिंग वाहन नहीं बरामद हुए, उनका कहना ये है कि वो अस्तित्व में नहीं है, तो वाहन अभी तक इनके पास है नहीं। तो जो अनुसंधान विषय लेकिन क्या आरटीओ बगैर एनओसी चेक की जारी कर रहे हैं लोगों की? ये अभी अनुसंधान में सामने आएगा, क्योंकि सारे जोधपुर आरटीओ से बनी हुई आरसी नहीं है, राजस्थान के अनेक जिलों से बनी हुई आरसी है। वे फर्जी तैयार किए हुए कागजात के इंजन चेसिस नंबर टेम्परिंग करके उनको चस्पा कर देते हैं। तो अभी जो तीन लग्जरी गाड़ियां जो क्रेटा बरामद हुई हैं, इन तीनों पे ही रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर टेम्पर किए हुए हैं, जो उनके वास्तविक नंबर हैं उनसे अलग हैं। इंजन नंबर भी ग्राइंड करके और चेसिस नंबर भी ग्राइंड करके चेंज किया हुआ है। जो इनके पास से 26 कागजात, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनओसी वगैरह जो बरामद हुए हैं, उसके बारे में इनका कहना यह है कि ये वाहन अभी अस्तित्व में नहीं है, और इनके गिरोह का जो दूसरा हिस्सा है वो जब चोरी के वाहन उठा के लाता है तो इन कागजों के इंजन चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उन पर टेम्परिंग करके चस्पा किए जाते हैं। तो इसमें अभी फर्दर अनुसंधान करने की काफ़ी गुंजाइश है, जो हमारे द्वारा किया जाएगा। एक बड़ा गिरोह जो फर्जी कूटरचित दस्तावेज़ तैयार करता है, इंजन चेसिस नंबर टेम्पर करता है, और साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स हैं उनको तोड़ने में भी महारत हासिल कर रखी है इन्होंने, जो आजकल की गाड़ियों में आते हैं, और हैवी व्हीकल लिफ्ट करने का ये लोग काम करते हैं। सर एनओसी ला रहे, तो एनओसी कहाँ से लाते हैं, और फिर एनओसी के आधार पर जो फर्जी आरसी बन रही है वो आरटीओ ऑफिस से बन रही है, खुद ही बना रहे हैं? आरटीओ ऑफिस से बनाने का इन्होंने बताया है, पर वो अनुसंधान का विषय है कि जो आरसी इनके पास है वो पूर्णतया कूटरचित हैं या कूटरचित कागजों के आधार पर सरकारी माध्यमों से बनाई गई हैं।